इवनिंग, अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 5:30 और हल्की हल्की सी आज आंधी चल रही है और मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, एकदम हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। गाइस ये देखो पीछे का व्यू, वो हमारे पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है, वो नर्मा है हमारा। और ये है हमारी ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का ये ट्रांसमीटर, मैं आपको ट्यूबवेल दिखाता हूँ हमारी कैसी है। ये है हमारी ट्यूबवेल, उधर है ट्रांसमीटर, और ये है ट्यूबवेल, ट्यूबवेल का पाइप है, और ये नल है, और इसे अभी ढका हुआ है ताकि इसके अंदर जो बारिश हो उसका पानी ना जाए। और गाइस ये ट्रांसमीटर है, जो पीछे की तरफ नरमा दिखाई दे रहा है वो हमारे चाचा जी का है। गाइस मैं गुवार दिखाता हूँ, गुवार को अभी बोए हुए लगभग 4-5 दिन हो गए। ये देखो गाइस गुवार इतना इतना हो चुका है, ये देखो लगभग पूरा गुवार अभी उग चुका है। गाइस ये पीछे की तरफ बेले बोई हुई है, मतीरा होता है उसकी, ये देखो इसे बाय हुए लगभग 1 महीना हो चुका है। और गाइस ये पीछे जो है ये मतीरी काकड़ी की बेले हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस इसे बोया हुआ लगभग 1 महीना हो चुका है, ये अभी खूब बडवार पर है, और साथ साथ में तिल भी बोए हुए हैं इनके तिल। गाइस ये देखो ये तिल रहा, ये तिल का पौधा है, पीछे की तरफ है वो हमारी खेत में जो घर है वह। और ये देखो गाइस ये काकड़िया की बेल है, और ये लोहे की बेल है जिसे हम मतीरा भी कहते हैं, जो छोटा होता है उस टाइम हम उसे लोया कहते हैं, और बड़े होने के बाद वह मतीरा का रूप ले लाता है जब वो पक जाता है तब।